सुपरस्टार आमिर खान का कहना है कि वो रेसलर महावीर सिंह फोगट पर बनी अपनी फिल्म दंगल को टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करेंगे। एक प्रमोशनल इवेंट में आमिर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म उन सभी शर्तों को पूरा करती है जो एक टैक्स फ्री फिल्म के लिए बनी है। वैसे मैं ये तय नहीं कर सकता, पर राज्य सरकारें इसे तय करेंगी, लेकिन हम फिल्म रिलीज होने के पहले ही इसे टैक्स फ्री करने की अर्जी डाल देंगे। हो सकता है हम कामयाब हो जाएं और नहीं भी। आमिर ने इस फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाया और फिर कम भी किया, जो काबिले तारीफ था। आपको बता दें कि ये एक बायोपिक है जो पहलवान महावीर सिंह फोगट के बारे में है, जिन्होंने अपनी बेटियों बबीता और गीता को रेसलर बनाया। ये फिल्म 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आमिर को उम्मीद है कि सेंसर इसे यू या यूए सर्टिफिकेट देगी। आमिर ने कहा कि इस फिल्म को सभी देख सकते हैं, बच्चे और बूढ़े भी। ये परिवार की कहानी है। वैसे खबरें ये भी आई थी कि नोटबंदी के चलते पहलाज नीलानी ने आमिर को दंगल पोस्टपोन करने को कहा था, जिसे आमिर ने गलत बताया और कहा कि मुझे किसी तरह की कोई राय नहीं दी गई है।